हेलो एवरीवन बी क्वेश्चन इज लेट एस एन इक्वल टू वन प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस क्यू टू द पावर ऑफ एन एंड टी एन इक्वल टू वन प्लस क्यू प्लस वन बाई टू प्लस क्यू प्लस वन वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस क्यू प्लस वन बाई टू होल पावर ऑफ एन वेयर क्यू इज अ रियल नंबर एंड क्यू नॉट इक्वल टू वन इफ हंड्रेड सी वन प्लस सॉरी वन जीरो वन सी वन प्लस वन

और यहाँ पे क्या जाएगा हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा क्या क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब हो जाएगा प्लस डैश 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 यहाँ से क्या आ जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से क्या वन जीरो हो जाएगा वन सी वन जीरो वन इन यहाँ से क्या आ जाएगा यही? इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा ये वन प्लस में हो जाएगा क्या क्यू प्लस क्यू स्क्वायर

101 हो जाएगा क्या सी वन अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से वन माइनस ऑफ हो जाएगा क्यू हो जाएगा और यहाँ पे क्या वन माइनस ऑफ क्या क्यूब आ जाएगा प्लस वन जीरो से क्या सी टू हो जाएगा अपान में आ जाएगा यहाँ से क्या वन माइनस हो जाएगा क्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगी वन प्लस में हो जाएगा क्यू इन टू क्या आ जाएगा यहाँ से वन माइनस में क्या क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हो जाएगा वन जीरो सी थ्री हो जाएगा होल डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से क्या वन माइनस क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हो जाएगा वन प्लस में हो जाएगा वन सॉरी वन माइनस का क्यूब हो जाएगा वन माइनस क्यूब हो जाएगा इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ से वन प्लस हो जाएगा क्या क्यूब प्लस में क्या क्यूब स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा यहाँ से क्या ई हो जाएगा यहाँ से वन हो जाएगा क्या सी हो जाएगा होल डिवाइड वही आ जाएगा यहां से, हो Q, यहां से क्या वन माइनस में, में क्या क्यूब हो जाएगा और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा क्या क्यू प्लस हो जाएगा क्यू द पावर में क्या थ्री हो जाएगा प्लस डैश यहाँ पे लास्ट में क्या हो, हैं 101 हो, क्या? C. 101 हो जाएगा यहाँ से वन जीरो से वन माइनस में क्या क्यूब हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो, हो जाएगा यहाँ से वन माइनस ऑफ हो जाएगा क्यू इन टू हो जाएगा यहाँ से प्लस में हो जाएगा क्यू प्लस स्क्वायर डैश 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 यहाँ पे क्या टू दी पावर ऑफ क्या हंड्रेड हो जाएगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से अल्फा इंटू टी टू दी पावर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा टी हंड्रेड चाहिए हमें ठीक तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख लिए फिर हम फिर से इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा वन जीरो

Whole by आ से बहन माइनस में क्या क्यूब हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे परफेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस में क्या क्यूब हो जाएगा इसको इस तरीके से सकते हैं फिर अगर हमें वन जीरो फोर दिया है यहाँ से वन माइनस में क्यू दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ से वन माइनस में हो जाएगा क्यू टू दावर फोर आ जाएगा डे डेस यहाँ से क्या हो जाएगा हो जाएगा वन जीरो सी वन जीरो वन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी वन माइनस हो जाएगा क्यूब इन टू यहाँ पे क्या जाएगा वन माइनस हो जाएगा क्या क्यूब टू दावर ऑफ यहाँ से क्या हंड्रेड आ जाएगा इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी हो जाएगा अल्फा इंटू हो जाएगा यहाँ से क्या टी टू दी हंड्रेड हो जाएगा तो अब यहाँ से हम तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो सभी में से वन हम कॉमन ले लेते हैं जो वन वाली टर्म है कॉमन लेंगे तो सभी के डोमोमीटर में क्या वन माइनस क्यू है तो यहाँ से हम वन माइनस ऑफ क्यू कॉमन लेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगा यहाँ से 101 हो जाएगा c1 प्लस 101 हो जाएगा क्या c2 प्लस 101 हो जाएगा यहाँ से क्या c3 डैश 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 यहाँ से क्या हो जाएगी हो जाएगा 101 हो जाएगा क्या c101 हो जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन के साथ 10 माइनस साइन हम यहाँ से क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा वन जीरो क्या सी वन यहां से क्या हो जाएगा हो क्यू प्लस तो यहां से क्या हो जाएगी यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ से वन जीरो सी थ्री ये हो जाएगा प्लस पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से वन जीरो सी वन जीरो वन यहाँ से क्या क्यू टू दावर ऑफ क्या हंड्रेड हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा टी अपान क्या हंड्रेड हो जाएगा और एक बात और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये माइनस क्यू होगा इसके भी डिनोमीटर में आएगा इसके भी डिनोमीटर में आएगा इसके सभी के डिनोमीटर में आएगा मतलब कि वन यहां इसको अभी हमने यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन रहेगा और इसके डिनोमीटर में क्या आ जाएगा सही हो जाएगा वन माइनस में क्या क्यूब आएगा ये कुछ इस तरीके से होगा ठीक तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या कि प्लस एन सी वन प्लस एन सी एन सी थ्री डैश क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है टू तो टू दी पावर ऑफ एन होता है लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए एनसी वन चाहिए एनसी जीरो से एनसी वन हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यहाँ से एन सी टू हो जाएगा प्लस एन सी थ्री डेस हो जाएगा यहाँ से क्या एन सी एन आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से टू टू पावर ऑफ हो जाएगा एन माइनस में वन हो जाएगा और ये क्या लिखा है यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर लिखा है किसकी वैल्यू लिखी है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं वन प्लस में क्या क्यूब करते हैं वन प्लस क्यूब टू पावर ऑफ एन फाइंड आउट करें क्या हो जाएगा हो जाएगा यहाँ से एन सी जीरो हो जाएगा प्लस सी वन क्या हो जाएगा यहां से क्या क्यूब हो जाएगा प्लस एन सी टू क्या, जाएगा? Does, 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 हो, क्या? हो जाएगा यहां से क्यूब स्क्स डैश डैश इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे एनसी वन हो जाएगा यहां से क्या द पावर ऑफ एन हो जाएगा ठीक तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए इधर की तो हम इस माइन इसको यहाँ से एन सी की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है एन सी की वैल्यू वन होती है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में हो जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा तो जब यहाँ से अब इसको हम यहाँ पे सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये तो एच डी से रहेगा फिर हम इसको सिम्पलीफाई करेंगे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे इसके इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे जब यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हो जाएगा ये वन माइनस हो जाएगा क्या क्यूब हो जाएगा

क्या लिखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से दोनों में से एक चीज कॉमन ले लेते ले हैं क्या वन अपन में वन माइनस क्यू कॉमन ले लेते ले हैं क्या हो जाएगा टू टू दावर ऑफ हो जाएगा वन जीरो माइनस में हो जाएगा वन माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वन प्लस में हो जाएगा क्यू टू दावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से वन जीरो वन प्लस में आ जाएगा यहाँ से वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉन्स्टेंट आ जाएगा और हम यहाँ पे इसकी बेबलेशन में क्या दे रखा है इसलिए यहाँ से अल्फा टी यहाँ से क्या दिया है अल्फा टी हंड्रेड दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा हाँ से अल्फा टी हंड्रेड हो जाएगा तो इसको जब यहां से वन माइनस क्यूब हो जाएगा और हो, हो, हाँ हाँ हो, हो, हाँ हो जाएगा टू टू पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से वन जीरो से वन प्लस हो जाएगा क्यू टू दावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वन जीरो अल्फा टी हंड्रेड हो जाएगा तो जब यहाँ से इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये तो हो गया अब हम पे आ जाते हैं की बात की बात करते हैं तो टीएन में क्या हो जाएगा यहाँ पे एक जीपी बन रही है जीपी बन रही है जिसका अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा यहाँ से वन हो जाएगा कॉमन रेशियो में यहाँ पे क्या मिलेगा हो जाएगा क्या टू प्लस में हो जाएगा वन बाई क्या टू आ जाएगा और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से एन इक्वल टू हमें क्या चाहिए एल्फा

जाएगा, handed, jayayana, jayayana, Or, यहां क्या हंड्रेड हो जाएगा और जाएगा वन माइनस जाएगा ठीक तो जब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो हम यहाँ से टी हंड्रेड की क्या, find, जाएगी, टी हंड्रेड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या टू टू दी पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से वन जीरो से वन प्लस क्या क्यू टू पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वन जीरो एक मिनट हम यहां पे क्या देखते हैं कि क्या चाहिए क्यू हंड्रेड चाहिए क्यों मतलब अगर हम क्यू की वैल्यू जीरो कर, Q वन करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा क्यू प्लस में वन बाय टू आएगा मतलब कि अगर एन की वैल्यू हमें यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी इसमें एन प्लस वन टर्म है तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है टी हंड्रेड फाइंड आउट करना है टी हंड्रेड कितना हो जाएगा यहाँ से हंड्रेड प्लस में क्या वन हो जाएगा मतलब क्या वन जीरो वन होगा तो यहाँ से एन की वैल्यू हमें क्या होगी यहाँ से वन जीरो वन के इक्वल फाइंड आउट होगी ठीक जब एन की वैल्यू वन जीरो आउट होगी तो सभी जगह जहां पे हंड्रेड लिखा है वहां पे क्या होगा हो वन जीरो हो यहाँ पे वन जीरो वन हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा वन माइनस में हो जाएगा क्या क्यू बाई हो जाएगा टू इन टू 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 दावर ऑफ क्या हंड्रेड हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा ये वन जीरो वन रहेगा जिसमें से एक यहाँ से एक हंड्रेड कटेगा तब वहाँ पे क्या रिमेनिंग हंड्रेड बचेगा

हो जाएगा यहां से क्या वन माइनस में क्या क्यू आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा टू टू दावर ऑफ क्या handed आ जाएगा इक्वल टू क्या यहां से अल्फा दिया हुआ है अल्फा टी हंड्रेड दिया था मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टी की जो वैल्यू पुट करें हम यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब हम बोथ साइड से सिंपलीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अरे कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से

तो हमें कुछ इस तरीके की फॉर्म मिल गए वन माइनस क्यू होगा वन माइनस क्यू स्को वन माइनस क्यू क्यू होगा इस तरीके से फॉर्म बन गई तो इसको हम लोग हमने थोड़ा सिंपलीफाई कर फॉर्म में आ गई जो कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मला अप्लाई कर दिए इस फॉर्मले से हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया और इस फॉर्मले से हमने सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें कुछ इस फॉर्म में आ गई अब वापस हम किस में आ जाते हैं टी एन टी एन में आ जाते हैं टी एन में जब हम इक्वल टू क्या पुट करेंगे वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू होगा मतलब कि अगर हम यहाँ एन टर्म में है तो यहाँ पे

यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो जब इस इक्वेशन पुट किया था हमने अल्फाइक पावर ऑफ हंड्रेड हो गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका